स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। ये डबल हेडर का दूसरा मैच है, मुकाबला है यहाँ पर साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे, तो फिर से आपको यहाँ पे बड़ा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम है, जो हर साल ये आप देख लो हर बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और ये वर्ल्ड कप के अंदर 4 बार सेमीफाइनल खेल चुकी है। 2015 के अंदर सबको याद होगा दिल टूटा था एबीडी विलियर्स का और साउथ अफ्रीकन फैंस का, डेल स्टेन भी उस टाइम पे खेले थे। अब देखें जो श्रीलंका की टीम है इसको आप देखते हो, इस टीम ने लास्ट टाइम ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप की 1996 के अंदर, और आप देखोगे जब लास्ट टाइम भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया था 2011 के अंदर, ये टीम फाइनलिस्ट थी। तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है, बहुत ही बढ़िया आपको मैच देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर धर्मशाला से मूव कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, टोटल 10 अलग अलग वेन्यूज के ऊपर सारे मैचेस हो रहे हैं। ये मैच दिल्ली के ऊपर है, कैसी यहाँ की पिच रहेगी इसके बारे में भी बात करेंगे, मेरे पास पिचेस की फोटोज और पूरी पिच रिपोर्ट है। फिर आप देखोगे प्लेयर्स वर्ल्ड कप में कैसा खेलते हैं, भारत के अंदर कैसा खेलते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। प्लेयर्स के हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और आखिरी के अंदर मैचेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है ये जानना भी। तो आपको बहुत मजा आएगा, स्टूडियो में टोटल 87 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट टीम बनाने के अंदर। तो अब देखें आपको मास्टर 11 के ऊपर 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे देखने को मिलेगा, तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है माय मास्टर 11 एप्लीकेशन का। अब देखें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं बताता हूँ क्यों ज्वाइन करना है। यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी ना मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके दे दूंगा। टॉस होगा 1:30 बजे, मैच स्टार्ट होगा 2 बजे। इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको पिचेस की फोटोज लाके दूंगा, जैसे आपको मैंने पिछले मैचेस में करके दिया है, मैं आपको लाके दूंगा प्लेइंग 11 विद द बैटिंग ऑर्डर और फाइनल टीम भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाई हुई है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है फॉर द बोथ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। अरुण जेटली स्टेडियम, सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है, हल्का सा स्लो विकेट रहता है अरुण जेटली का, हमेशा आपने देखा होगा टर्न देखने को मिलती है, आप स्पिनर्स गेम में आते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर साउथ अफ्रीका खेली थी, मैं बताता हूँ कब खेली थी, 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। लास्ट 50 ओवर का मैच इस वेन्यू के ऊपर ही हुआ था ओडीआई का, और इसके अंदर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, वन साइडेड गेम था, साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने आती है, 99 रन पे ऑल आउट हो जाती है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी यहाँ पे कुलदीप यादव ने। फिर आप देखें टीम इंडिया चेस करने आई, इन्होंने 19.1 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर लिया और वन साइडेड पूरा मैच था, उससे पहले 312 वरना 4 विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है वो भाई साहब 41.3 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है और 6 विकेट से जीत दर्ज करती है। फिर उससे पहले 184 बना टारगेट यहाँ पे चेस हो गया 42.4 ओवर्स के अंदर, 280 बना टारगेट यहाँ पर चेस नहीं हुआ, टीम 234 बनाती है, 299 बने, मैं क्लियर करता हूँ दोबारा, 299 बना और जो टीम चेस करने आती 182 पे सिमट जाती है, 227 बना टारगेट यहाँ पे चेस हो गया, करीबन 9 बॉल रहते। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, कई दफा जब आप पिच को देखोगे एकदम सपाट ट्रैक वाली पिच रहती है, मैं बताता हूँ कैसी, पिच की फोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको जस्ट ए मिनट। जब आपको ऐसी पिच दिखेगी ये एकदम सपाट ट्रैक है, ध्यान से देखो आप इसको, अगर ऐसी पिच आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर 300 के आसपास स्कोर बनेगा। अगर ऐसी पिच रही, ये देखो ये काली पिच है और ड्राइनेस दिख रही है इस पिच के ऊपर, आप देखो बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, अगर ऐसी पिच रही तो आप समझ जाना है पे क्या होगा, जो स्पिनर्स गेम में आएंगे 200-250 वाला स्कोर बनेगा, मैक्सिमम 270 या 260 बन सकता है, वरना ऐसी पिच रही, ये देखो आप ये हरी भरी है ऐसी, तो यहाँ पे क्या होगा रन्स बनेंगे और करीबन 300 प्लस स्कोर जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, पिच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट 6 मैचेस में उसके अंदर बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए 4 मैचेस जीते गए हैं, अंडर द लाइट्स यहां पर बॉल बल्ले के ऊपर अच्छे से आएगी, स्किड करके रन्स बनते हैं और ड्यू फैक्टर आ सकता है सेकंड इनिंग्स के अंदर। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इस वेन्यू के ऊपर एक मैच खेला एक मैच हारी है, श्रीलंका यहां पर नहीं खेली एक भी मैच रिसेंटली, टीम इंडिया का होम ग्राउंड है दोनों भी टीम्स, जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 11 अक्टूबर को लास्ट ईयर, उसके अंदर 3 विकेट पेसर्स के नाम था और 9 विकेट उस मैच में स्पिनर्स ने निकाला था, स्पिनर्स की बॉल ग्रिप कर रही थी यहाँ पे। ओवरऑल लास्ट 6 मैचेस के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 44 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी में 21 है और दूसरी पारी के अंदर 23 है, राइट आर्म पेसर 25, लेफ्ट आर्म पेसर भी यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 19 विकेट निकाल चुके हैं। स्पिनर्स की बात करें 32 विकेट्स है, मैं साइड होता हूँ, पहली पारी में 20 है, दूसरी पारी के अंदर 12 है। पहली पारी में स्पिनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि धूप रहती है, आप सोचो जो टीम पहली पारी में बैटिंग करने आती है तो दोपहर के 2 बजते हैं
और स्पिनर्स आते हैं करीबन 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास, तब धूप निकल जाती है पिच के ऊपर, अच्छे से धूप गिरी होती है, तो स्पिनर्स आके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं टर्न और उनको अच्छा खासा स्पिन मिलता है। तो पहली बारी में स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, 20 विकेट्स है, दूसरी बारी के अंदर 12 विकेट्स है। ऑफ स्पिनर्स 13, लेग स्पिनर्स 5, चाइनामैन का 4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 10 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ। ये स्क्रू ट्रैक है, देखो आप क्रैक्स दिख रहे हैं पिच के ऊपर, ड्राइनेस दिख रही है, ये पिच तो एकदम खत्म वाली लग रही है, देखो आप ये पिच थोड़ी जान है इसके अंदर। मैंने आपको 4-5 पिचेस दिखाई है, ये आपको पिच दिख रही है, ये थी भाई साहब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो इंटरनेशनल मैच खेला गया था लास्ट टाइम 11 अक्टूबर 2022 को, ये तब की पिच की फोटो है। तब बाउंड्री सामने 72 थी और स्क्वायर बाउंड्री 61 एंड 67 मीटर्स की थी यहाँ पे, जब लास्ट टाइम कोई इंटरनेशनल मैच हुआ था इस वेन्यू के ऊपर। ये स्टेडियम का व्यू, ऐसा स्टेडियम दिखता है ये, बड़ा प्यारा स्टेडियम आप देखें, खूबसूरत है मैदान है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू है स्टेडियम का। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे भाई साहब न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, आपको ऐसी ही मैं पिच रिपोर्ट लाके देता रहूंगा, और फाइनल फोटोज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको पिच की मिल जाएगी, वो देखना बहुत जरूरी है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं टीम न्यूज की तरफ। साउथ अफ्रीका के हेड कोच रॉब वाल्टर हैं, कैप्टन टेम्बा बाउमा है, और इस टीम ने एक भी बार टाइटल नहीं जीता। बेस्ट फिनिश इनके हमेशा सेमीफाइनल्स रहे, 1992 के अंदर, 1999 के अंदर, 2007 में, 2015 के अंदर। श्रीलंका के कोच बड़े महान हैं, क्रिस सिल्वरवुड कमाल के कोच है ये, कैप्टन दर्शन शना का टाइटल एक बार जीता है, 2011 में फाइनल खेला, टाइटल 1996 में जीता है। हेड टू हेड दोनों टीम्स ने 2021-19 के बीच में 5 मैच खेले हैं, साउथ अफ्रीका 3 जीती है और 2 यहाँ पे श्रीलंका जीती है। टक्कर का मैच होगा क्योंकि जो कंडीशंस है वो आपको देख के लगेगा श्रीलंका को फेवर कर सकती है, बट साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। 11 की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्विंटन डीकॉक ओपन करेगा, विकेट कीपिंग भी यही करने वाला है, टेम्बा बाउमा 1 डाउन कैप्टन इस टीम का, ओपन करेगा 1 डाउन तो ऐसे ही आएगा, एडन माकरम 2 डाउन है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालेगा, क्लासेन है, मिल्लर, फिर आपको मार्क ऑनिसेन दिखते हैं, बहुत अच्छे पेसर, हाइट इनके पास बहुत ज़्यादा है, पहले माले से मतलब पहले माले की हाइट है, दूसरे माले से इसकी बॉल आती है। केशव महाराज, रबाड़ा, एंगडी, शमशी, मेरे हिसाब से 2 स्पिनर्स इस मैच में खेलने चाहिए रेगुलर, तीसरा स्पिनर रेडन वाकरम हो जाएगा इस गेम के अंदर, हाई चांसेस है स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस इस मैच में हो सकती है पिच स्लो रही तो। श्रीलंका पतुम निशांका, कुशाल परेरा ओपन करेंगे दोनों और अटैकिंग मैनर में खेलते हैं। कुशाल परेरा को अभी भी इंजरी हो रही है शोल्डर का, इन्होंने ऑपरेशन या सर्जरी कराई थी, इस वजह से उनको बहुत दिक्कत भी होती है। कुशाल मेंडिस 1 डाउन है, फिर आपको सदिरा देखते हैं, आसालंका 3 डाउन आते हैं, ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, डीडी सिल्वा ऑफ स्पिन राइटी बैटर, दर्शन शोना का, विनित विलालगे, कौशन रचिता, थिक्षिना पतिराना। चलते हैं प्रैक्टिस मैच की तरफ, क्विंटन डीकॉक ने प्रैक्टिस मैच में 84 किया, नाबाद रहे थे, रिजा ने 0 किया, पहली बॉल पे आउट हो गए थे वहाँ पे LBW, रैसी ने 51 किया 56 गेंदों के अंदर, एडन माकरम ने 13 रन किया था, बहुत सस्ते में आउट हो गए थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच दे दिया, 3 ओवर डाला था, 33 रन दिया था। क्लासेन 39 किया, 0 विकेट, डेविड मिलर 18, एंगडी का 3 विकेट था, मार्क ओनिसेन का 3 विकेट, 45 रन दे के 8 ओवर के अंदर, बहुत अच्छा स्पेल था भाई का, 40वें ओवर के अंदर आके इसने 2 विकेट निकाले थे, फिलिप्स का आउट किया था वहाँ पे, रबाड़ा का 0, कॉटजिया का 0, 7-7 ओवर दोनों ने डाला था, महाराज को बहुत अच्छा टर्न मिला था, 5 ओवर में 25 रन दिया, विकेटलेस गया था, शमशी 41 रन 6 ओवर के अंदर, मार जरूर खाता बट विकेट निकाल के दे जाता है। श्रीलंका के प्रैक्टिस मैच देखते हैं, पतुम निशांका 68-30 किया, दिमुत ने 18-8 किए, मेंडिस ने 22 और 158 किया, मेंडिस भाई अलग दुनिया का क्रिकेटर है अभी फिलहाल, अलग ही मूड में खेल रहा है बंदा। सदिरा 2 और 39 किया, आसालंका 18-12 किए, डीडी सिल्वा ने 55 किया, 22 किया, भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। विलालगे 1 विकेट 0 विकेट, इस विकेट पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूषण हेमंता 1 विकेट 0 विकेट, बहुत मार खाया था ये भी। लहरू कुमारा भी बहुत मार खा रहा है, 6 ओवर में 60 रन दे दिया, विकेटलेस गया, उससे पहले 6 ओवर में 30 रन दिया, 1 विकेट, दोनों में 1 विकेट निकाला। रचिता दोनों में इकोनॉमिकल स्पेल डाला, विकेटलेस विकेट, मधुशना का मार खाया मतलब इतनी नहीं, बट कुशाल परेरा 34 रन, शनाका का 3 रन था 17 गेंद के अंदर, पतिराना 4 ओवर में 42 खा गया था। साउथ अफ्रीकन बैटर्स इन वर्ल्ड कप, डेविड मिल्लर 14 मैचेस वर्ल्ड कप में खेल चुका है, 460 रन है, 51 की औसत है, 1 शतक है मात्र, 138 रन की वो पारी आई थी और कोई भी 50 नहीं है। क्विंटन डीकॉक 17 मैच में 450 रन है, 450 है वर्ल्ड कप में, पता नहीं भाई को क्या हो जाता है, मतलब नंबर थोड़े से ठंडे आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा क्रिकेटर है वैसे। रैसी का 6
इनिंग्स के अंदर, मतलब 9 मैचेस खेल के 6 इनिंग्स में उसने बैटिंग करी है, 311 रन्स 350 है, कमाल का प्लेयर है। रैली रशवा, आर्डन माक्रम 8 मैचेस में 140 रन्स, फेलक्वायो 9 मैच में 133 रन, रबाडा का 9 मैच में 58 रन्स है वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर। साउथ अफ्रीका का बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, इमरान ताहिर भाई लीजेंडरी बॉलर है, रिसेंटली गयाना के लिए उस टीम क्या परफॉर्मेंस दिया था भाई ने। क्रिस मॉरिस, फिलवाकियो 9 मैचेस में 11 विकेट्स हैं, रबाडा का 8 मैच में 11 विकेट्स है, मतलब 9 मैच खेला 8 इनिंग्स में बॉलिंग करी, एक मैच रद्द हो गया था बारिश के कारण इंग्लैंड के अंदर। एंगिडी का 4 मैच में 7 विकेट, माकरम का 8 मैचेस में 1 विकेट था। अब देखते हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स इन इंडिया, क्विंटन डीकॉक 8 मैचेस के अंदर भारत के अंदर भारत की सरजमी पे 377 रन कर चुका है, 2 शतक, इंडिया वैसे इसको पसंद है। फैफ एबीडी ये कमाल के क्रिकेटर्स रहे हैं भाई साहब। डेविड मिलर 8 मैचेस में 191 रन है, और क्लासेन का 3 मैच में 138 रन है भारत की सरजमी पे। एडन माकरम का 3 मैच में 88 रन है, रिजा का 2 मैच में 77 है, मार्कोनिसन का 1 मैच में 14 रन है। बॉलिंग डिपार्टमेंट, मार्कोनिसन विकेटलेस गया है यहाँ पे, एडन माकरम भी, शमसी का 1 में 1, महाराज का 2 में 1, एंगडी का 2 में 4, रबाड़ा का 7 मैचेस में 13 विकेट है भारत की सरजमी पे। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटाफट बिना देरी करे। डीकॉक 24 मैचेस के अंदर 49 की औसत है अगेंस्ट श्रीलंका, और 1200 के आसपास रन है, 3 शतक, 7 अर्धशतक है अगेंस्ट श्रीलंका, 39 कैचेस पकड़े, सोचो आप 24 मैच में 39 कैच, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 3 स्टिंपिंग करी है, तो इनको श्रीलंका के अगेंस्ट कीपिंग करना भी बहुत पसंद है, बहुत रास आया है इसको। बैटिंग फर्स्ट 11 मैच में 604 रन है, चेस के ऊपर 13 मैच में 515 रन है, इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है। वेन्यू के ऊपर 6 रन किया था इसने 11 अक्टूबर को, जब यहाँ पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। फॉर्म 27-45-82-45, बहुत अच्छे टच में था ये, 11-87-88 नाबाद, ये लास्ट इनका ये टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का, फिर ओडीआई से रिटायरमेंट लेंगे डीकॉक। टेम्बा का 38 रन से एट्रो में चेस करते हुए कमाल का क्रिकेटर भाई साहब, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, 0-57-46-114 नाबाद 0-35, ये उस दिन कैप्टन्स मीटिंग के अंदर भाई सो नहीं रहा था, वो मेडिटेशन कर रहा था, देखना आप क्या करेगा इस गेम के अंदर। रेसे वंडर टू सेन 8 मैचेस में 192 रन है, 250 हैं, बैटिंग फर्स्ट 50, 216, चेस के ऊपर 32 नाबाद, 28 नाबाद, 59-5, फॉर्म 30-62-17-8-21 इस तरह से रहा है। एडन माकरम का 9 मैचेस में 238 रन है, 30 की औसत है, 250 करी है इसने 9 मैचेस के अंदर इसके खिलाफ, बैटिंग 8 इनिंग्स में करी है, बैटिंग फर्स्ट 1 मैच में 21, चेस के ऊपर 7 मैच में 217 रन है। बैटिंग फर्स्ट में बहुत स्पेशल हो जाता है एडन माकरम, वेन्यू के ऊपर 9 रन था इसका बैटिंग फर्स्ट करते हुए। फॉर्म ठीक ठाक है, अच्छा फॉर्म है, 93 किया, 102 नाबाद किया था इसने। क्लासेन 5 मैच में 24 की औसत है, 121 रन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन, बैटिंग फर्स्ट 43, चेस के ऊपर 17, 3-36-22, वेन्यू के ऊपर 34 रन, बैटिंग फर्स्ट, ये भाई साहब अलग प्लेयर है। रिसेंटली इसने 174 किया था ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट, जिसमें हेजलवुड खेल रहे थे, जैम्पा खेल रहे थे, मतलब अच्छा खासा बॉलिंग अटैक था उनका। मिल्लर 20 मैच में 477 रन है, 48 की औसत है, 1 शतक, 2 अर्धशतक है, लोअर डाउन द ऑर्डर खेलेंगे, और साउथ अफ्रीका का आई थिंक टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मिलर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मोस्टली इस गेम में। बैटिंग फर्स्ट में जरूरत पड़ सकती है, 9 मैचेस के अंदर इसके 94 की औसत है बैटिंग फर्स्ट अगेन श्रीलंका, 378 रन है, 10 कैचेस पकड़े, हमेशा हॉटस्पॉट पे खड़े रहते हैं जहाँ पे बॉल बहुत आती है, तो ये बताना जरूरी है कितने कैच पकड़ चुका है। वेन्यू के ऊपर 7 रन से 1 मैच के अंदर, फॉर्म अच्छा रहा है, 63-82 नाबाद, 849 इज अ गुड प्लेयर। मार्को निसेन ओडीआई के अंदर 14 मैच में 18 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू के ऊपर 14 रन बनाए थे, बल्ले से बैटिंग फर्स्ट, विकेटलेस गया था। रिसेंटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 47 रन किया इसने और 5 विकेट खोल दिया था। केशव 5 मैच में 8 विकेट है श्रीलंका के अगेंस्ट, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट स्पिन होता है यहाँ पे, 4 मैच में 7 विकेट है, बॉलिंग सेकंड में 1 मैच में 1 विकेट है। बॉलिंग सेकंड में क्या रहता है, हल्का सा ड्यू फैक्टर रहेगा देखना, दिल्ली वाले एरिया में हल्का सा ड्यू है, जब मैंने कई कमेंट्स पढ़े थे यहाँ पे, जब वेन्यूज के बारे में मैंने वीडियोस देखे थे तब। रबाडा 18 में 27 विकेट से, बॉलिंग फर्स्ट 10 मैच में 17, बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 10 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गया, फॉर्म डिसेंट है, 3-2-2-2-2 हर गेम में विकेट्स निकाले हैं। एंगडी का 9 मैच में 16 विकेट, मस्ट पिक, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 9, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 7 विकेट, आज तक विकेटलेस गया ही नहीं इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू पे 1 में 1 बॉलिंग सेकंड, जहां पर इनकी टीम 99 रन पे ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की, तो भी 1 विकेट निकाल गया था, बहुत अच्छा गेंदबाज है, ऐसे विकेट्स पे इसकी बॉल ग्रिप करनी चाहिए। शमशी भाई जूता निकाल के फोन लगा रहे हैं, भाई पिच ऐसे ही बनाना स्लो एकदम, भाई का कहना वही है। 9 मैच में 16 विकेट है, ये भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पिक लग रहा है इस गेम के अंदर,
बिकॉज ऑफ हिज विकेट टेकिंग स्किल्स, मार जरूर खाता है। रिजा के स्टैट्स देख लो आप, कॉट्जिया भी खेल सकता है, पेस है इसके पास, डंडों पे बॉल डालता है, इस वजह से इसको विकेट्स मिलते हैं। ओडीआई करियर बड़ा खूबसूरत उस बंदे का। थलकवायो देख लें आप, लिजार्ड है स्टार्टिंग, और एंगडी रबाड़ा, मार्को निसेन थोड़ा सा लेट आते हैं जब रबाड़ा और एंगडी स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैच होता उसके अंदर एंगडी और रबाड़ा ने स्टार्ट किया था, मार्को निसेन लेट आया था बॉलिंग करने पावर प्ले के जस्ट एंड होने के टाइम पे। एंगडी, मार्को निसेन, रबाड़ा डेथ ओवर। श्रीलंकन बैटर्स इन द वर्ल्ड कप, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला और स्क्वाड से, बस आप देखो दिमत करतने जो 11 मैचेस में 250 रन कर चुका है वर्ल्ड कप में, 250s हैं, और कुशाल परेरा जो 9 मैच में 300 रन कर चुका है, 350s हैं। डीडी सिल्वा 7 मैच में 108 रन कर चुका है वर्ल्ड कप के अंदर। बॉलिंग डिपार्टमेंट डीडी सिल्वा ये सिर्फ 7 मैच में 5 विकेट निकाल चुका, और कोई प्लेयर वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस क्रिकेटर नहीं है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की जो टीम है वो नई टीम है, देखते हो तो आप। श्रीलंकन बैटर्स इन इंडिया, दशुन शनाको को भारत बहुत पसंद है, 3 मैच में 121 रन से, एक टाइम यहाँ पे 108 की पारी खेली थी, याद करो आप, वेन्यू बताना कौन सा था वो। पुतुम निशांगा ने 72 किया एक मैच के अंदर, डीडी सिल्वा का 2 मैच में 47 है, सदरे का 42 रन है एक मैच के अंदर, असलंगा का 39 है 3 मैच में भारत के अंदर, जितना रन कसून रचना किया 39। मेंडिस इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली जो सीरीज थी 2023 के अंदर उसमें 3 मैच में 38 रन किया था, उस टाइम फॉर्म भी उनका ऐसा था, अब देखो फॉर्म भाई चुम्मा फॉर्म है एकदम भाई का। रचिता 3 मैच है, और चमिका ये देख लो आप, लहरू कुमारा का 2 में 4 विकेट्स हैं, डीडी सिल्वा का 2 में 1, मधु शनाका का 2 में आई मीन 1 में 1, शनाका का 3 मैच में 1 विकेट। बेलाल गए भारत के अंदर 3 मैच खेला था, 10 ओवर बॉलिंग करी, 77 रन दिया था, विकेट लस गया था। पुतुम निशांका हेड टू हेड नंबर्स नहीं है, और ओडीआई करियर बहुत अच्छा है, 40 मैचेस में 1400 रन से, बैटिंग फर्स्ट 26, चेस के ऊपर 57 की औसत है, चेस पे बंदा बहुत बुरा मारता है असालंका, आई मीन पुतुम निशांका, असालंका तो बाद में आएगा। कुशाल परेरा 15 मैच में 376 रन से, 250s है एट के अंदर, बैटिंग फर्स्ट 9 मैच में 226 रन से, चेस के ऊपर 5 मैच में 150 रन है, फॉर्म 0-17-31-53, बहुत अच्छा दिखा था एशिया कप में भी, आपने देखा होगा उसको जिस तरह से बैटिंग कर रहा था। कुशाल मेंडिस 17 मैच में 438 रन से, 26 की औसत है, 350s इस टीम के अगेंस्ट, 7 कैचेस पकड़े हैं, कीपिंग के पॉइंट्स अलग देखे जाते हैं, बैटिंग फर्स्ट में तो बहुत स्पेशल है मेंडिस, बहुत मतलब अलग ही लेवल का प्लेयर है ये, चेस पे भी अच्छा ही खेलेगा बिकॉज फॉर्म इसका बहुत डिसेंट है। सदीरा 23 मैचेस में 615 रन से ओडीआई करियर के अंदर, इज अ गुड बैटर, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, बात हुई जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो ये काम करके देगा आपको, मैचअप्स पढ़ लेना थोड़ी देर में बताऊंगा। असलंका 3 मैच में 196 रन से इस टीम के अगेंस्ट, श्रीलंका में जो सीरीज हुई थी बहुत बुरा मारा था असलंका ने, 72-47 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 77। फिर आएंगे डीडी सिल्वा 16 मैच में 384 रन से, विकेट पर इंपॉर्टेंट बैटर है ये, MVP क्रिकेटर इस टीम से मोस्ट वैल्यूएबल। आते हैं दशुन शनाका, 5 मैच में 135 रन, आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर है ये, आप खुद देखें, 0 रन 2 रन 9 रन 24 रन 3 विकेट 5 रन 14 रन 1 विकेट 4 रन 1 विकेट 12 रन 1 विकेट, वो तो बॉलिंग से 1 विकेट निकाल जा रहे हैं, वरना बल्ले से 25 के ऊपर इसके रन बने नहीं है अभी रिसेंटली, पूरे उसमें भी फ्लॉप हुआ था ये लंकन प्रीमियर लीग में सिर्फ 1 मैच को छोड़ के। दोनत विलाल गए 15 में 19 विकेट से ओडीआई करियर के अंदर, अच्छा स्पिनर है। कसुन रचिता 4 में 4 विकेट से, बड़ी मछली फंसाता है दोनत विलाल की, आदत है इसकी बड़ी मछली फंसाने की। रचिता का 4 में 4, बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशल हो जाएगा, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है ये, और नई गेंद से भी अच्छा डालता है। तिक्षिणा 1 मैच में 4 विकेट एट टूट के अंदर, ये भी स्पेशल पिक, इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स को छोड़िएगा नहीं। पतिराना ओडीआई के अंदर 10 मैच में 15, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बॉलर है, इनको खुद को पता नहीं रहता कहाँ पे बॉल जा रही है, बट विकेट निकाल जाते हैं डेथ के अंदर। दिमुत 0 रन कर चुका है एट्रोड में बैटिंग फर्स्ट, लहरू कुमारा का 7 में 7 विकेट्स है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 3, आई थिंक बेंच पे जानी चाहिए लहरू कुमारा। मधु शनाका का 6 मैच में 10 विकेट ओडीआई के अंदर, स्टार्टिंग और रचिता थिक्षिणा, दशुन शनाका भी आ सकते हैं, डेथ ओवर के अंदर पतिराना रचिता थिक्षिणा। क्विंटन डीकॉक का मैचअप बनता है कसुन रचिता के सामने, 5 इनिंग्स के अंदर 2 बार आउट किया है, 54 बॉल में 96 मारे भी हैं उसको अच्छे खासे। डीडी सिल्वा ने 14 इनिंग्स में 2 बार, लहरू कुमारा ने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 52 बॉल में 65 रन देंगे। डीकॉक फंसते हैं ओडीआई के अंदर ऑप्शन के सामने, आप देख सकते हैं 85 इनिंग्स के अंदर 34 बार आउट हुआ है। टेम्बा कोई मैचअप नहीं है खास, रेसी अगेंस्ट लेग्समैन फंसा है, लेग्समैनर कोई है ही नहीं, हसरंगा बहुत बड़ा मिस है इस टीम के लिए। एडन माक्रम कोई खास मैचअप नहीं है, हेनरिच क्लासेन अगेंस्ट थिक्षिणा 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 26 बॉल में 25 रन है। डेविड मिलर अगेंस्ट डीडी सिल्वा 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 71 बॉल में 71 रन देंगे।
रिजा वर्सेस डीडी सिल्वा, 8 इनिंग्स में दोबारा आउट किया। और डेविड मिलर और जो अपने थिक्षिणा थे एक ही टीम में खेले थे एलपीएल के अंदर जाफना के लिए, और उनको पता है डेविड मिलर को किस तरह से थिक्षिणा को खेला है, नेट्स में खेला होगा उसको बहुत ज़्यादा। रिजा को कोई खास मैचअप नहीं है, फिलवाकर का भी नहीं है। शमशी अगेंस्ट निशांका 2 इनिंग्स में एक बार, कुशाल परेरा अगेंस्ट शमशी के सामने 5 इनिंग्स में एक बार, और रबाड़ा सबको अच्छा खेला उसने, एंगड़ी सबको मारा है परेरा ने। कुशाल मेंडिस की बात करें फंस जाता है महाराज के सामने, मैंने देखा कई दफ़ा कुशाल मेंडिस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को लाइक जॉनी बैरिस्टो जैसा वर्ल्ड कप में किया था पहले मैच के अंदर, इस तरह के शॉट्स खेलते हैं मिड विकेट के ऊपर, मिड विकेट नहीं क्षमा चाहता हूँ एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट्स खेलते हैं, वहाँ पे कई बार इनके शॉट्स गलत लग जाते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि महाराज पेस के अंदर वेरी करता है। इज सेम लाइक मिचेल सैटनर, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रबाड़ा 13 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, एंगड़ी ने 11 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, शमशी ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। सदरा का कोई खास मैचअप नहीं है। आज श्रीलंका चाइना मैन के सामने बहुत बुरा फंसता है, ओडीआई करियर में आप खुद देख लो 9 इनिंग्स में 4 बार आउट हुआ है, और शमशी के सामने 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हुआ है 51 बॉल के अंदर 43 रन बना के। डीडी सिल्वा अगेन शमशी 10 इनिंग्स में 2, और रबाड़ा सबको अच्छा खेला है, ये संकट मोचाना इस टीम का, हमेशा जब टीम संकट में होती है कुछ ना कुछ करके जाता है। दर्शन शना का कोई खास मैचअप नहीं है, शमशी ने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। इसी की टीम में था शमशी इस साल एलपीएल के अंदर गोल टाइटंस के लिए, मेरे को याद अभी भी। अब देखो टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेलती है, श्रीलंका 24 मैचेस में 50 विकेट गवा चुकी लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, मार्को निशिन मस्ट भी गया। अब साउथ अफ्रीका 17 में 29 विकेट गवाया इस टीम ने लेग स्पिन के सामने, वैसे लेग स्पिन इस मैच में आपको कहीं से नहीं दिखेगी, दोनों टीम से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जरूर दिखेगी। श्रीलंका 33 में 49 विकेट गवा चुके, केशव इंपॉर्टेंट हो सकता है, विकेट को देख लेना एक बार, स्लो विकेट रहा केशव को लेके चलना ही है वैसे फिर। और श्रीलंका साउथ अफ्रीका 17 में 20 विकेट दिए, साउथ अफ्रीका वैसे स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, उसमें तो हेंड्रिक्स क्लासन बहुत बुरा मारता है स्पिनर्स को, ऑफ डेविड मिलर अच्छा मारता है, रेसी टुक टुक करके खेल लेता, स्वीप अच्छा बंदे का, आइडन मार्करम स्पिन अच्छा खेलता है, टेस्ट बेटर रह चुका है वो तो। ऑफ स्पिन की बात करें तो आप देखो श्रीलंका 36 में 44 विकेट है, साउथ अफ्रीका ने 25 में 35 विकेट दिया है। चाइनामैन का देख लो आप, क्योंकि श्रीलंका ने चाइनामैन को खेलना है और श्रीलंका चाइनामैन के सामने बहुत बुरा फंसती है, 12 मैच में 21 विकेट गवा चुकी है श्रीलंका चाइनामैन के सामने, 23 की औसत है। आएगा सामने शमशी, और साइन अप करना ना भूलें कहाँ पे, मास्टर लेवन के ऊपर, लिंक मैंने आपको नीचे दिया, आप खेल के देखो, आपके लिए मैंने लीडर बोर्ड लाई है यार, क्या चाहिए आपको, ये सिर्फ और सिर्फ जो इस लिंक के थ्रू साइन अप करेगा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी को लीडर बोर्ड मिलेगी, 10 लाख रुपए की लीडर बोर्ड है ओनली फॉर द स्टैट्स यूजर्स, 7 अक्टूबर से लागू हो जाएगी ये लीडर बोर्ड के अंदर, ये मैच आ रहा है इसमें आप देखो 10 लाख रुपए की क्या लीडर बोर्ड है। पहले रैंक पे आपको बाइक मिलती है निंजा की, दूसरे पे आपको केटीएम मिलती है, तीसरे पे आपको मिलती है हीरो एक्सट्रीम, चौथे पे अपाची, पांचवे पे आपको मिलता है आईफोन 15 प्लस। तो साइन अप करना भाई, क्यों नहीं करना ये बताओ मेरे को आप। पहले तो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर टॉप रैंकिंग मिलती जाएगी, जस्ट स्टार्ट हुआ है और अभी आपको सीरियसली कहूँ इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड के अंदर जो पहले स्थान पे है उस भाई साहब के 1000 रुपये सिर्फ, ये सोचो आप, इन्वेस्ट ना हो नो जीएसटी वही बात है, और आप हर दिन आईफोन भी जीत सकते हो 15 यहाँ पर, जो दिन में सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्ट करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है मास्टर 11 का। कॉमन कैप्टन एडन माकरम, क्विंटन डीकॉक, अलगा मेंडिस, डेडी सिल्वा, मार्को निशिन, बिलाल को ट्राई कर सकते हो। टीम्स की बात करते हैं फटाफट, तो फिलहाल मेरी फाइनल टीम इस तरह से बन रही है, और इसके अंदर आप केशव महाराज को ऐड कर सकते हो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, अगर पिच आपको स्लो दिखती है और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करने आती है, तो जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी मोस्टली स्पिनर्स को मदद मिलनी चाहिए, अब वो बात अलग है। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आ जाती है और वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करो कि थिक्षिणा बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाएं और बॉलर्स हों, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत डोमिनेशन दिखाई रिसेंटली जिस तरह से क्रिकेट खेली है, जो कॉम्बिनेशन है टीम का साउथ अफ्रीका का बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वर्ल्ड कप के अंदर, सब कह रहे हैं इस साल जो भी टॉप 4 टीम गिनी जा रही है उसमें साउथ अफ्रीका देखी जा रही है सेमीफाइनल्स के लिए। कुशाल मेंडिस इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं जिस फॉर्म से खेल रहे हैं, डीडी सिल्वा संकट मोचन है, थिक्षिणा स्पिन फ्रेंडली विकेट पे देखते हैं कैसा करते हैं। अलग क्या कर सकते हो, अलग ये कर सकते हो कि यहाँ पे क्लासन को लेके जा सकते हो, स्पिन बहुत अच्छा खेलता है स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है चेस के ऊपर क्लासन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आए वो और रन्स बनाए, बिकॉज मेरे को लग रहा है साउथ अफ्रीका चेस करती है टारगेट को तो मुश्किल से 2 विकेट गवा के चेस कर जानी चाहिए। डीकॉक मेंडिस इंपॉर्टेंट है,
डिकॉक को कैप्टन स्किपिंग की वजह से भी किया मैंने, किपिंग स्किल्स इनके पास, रेसी बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, टेम्बा भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, निशांक का ट्राइबल प्लेयर है। यहाँ से फिर आप देख सकते हो दो प्लेयर्स की तरफ, एक सदीरा जो सिंगल डबल निकाल लेता है, चैनमैन को बहुत अच्छा खेलता है, ये प्लेयर थोड़ा सा आपको एक वैल्यू देके जा सकता है। असलंका ऑफ स्पिन वाली वैल्यू देके जा सकता है, निशांका का थोड़ा सा थ्रेटफुल है, रबाड़ा सामने नई गेंद से होंगे, बट ये भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। रोटेट करिएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके गट फील के हिसाब से, हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है। मार्को निसेन, एडन माक्रम, डीडी सिल्वा, इंपॉर्टेंट तीन क्रिकेटर्स। विलाल की बॉलिंग फर्स्ट में मैं रख लूंगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग फर्स्ट में होता है यहाँ पे जब धूप खिली होती है। रबाड़ा, थिक्षिना, शमशी, एंगिडी, ये एंगिडी तो यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केशव लास्ट मिनट कॉल रहेगा मेरा, देखते रहे स्टैट्स मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। रचिता को बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। सी सून एंड क्षमा चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही स्टार्टिंग के मैचेस में, बिकॉज आपको हर एक स्टैट्स बताने पड़ रहे हैं वर्ल्ड कप के सबके इस वजह से। सी सून, लव यू।